अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में, इन पलटते हुए पन्नों में आज अभिनेत्री आशा पारेख के सपने की दास्तां से आपको रूबरू कराएंगे। दिग्गज अदाकारा आशा पारेख ने किसी जमाने में फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनकी गिनती 60 और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में होती है। अपने चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अवतार के कारण आशा पारेख ने करोड़ों फैंस के दिल पर राज किया। लेकिन डांसर और एक्ट्रेस ना होकर डॉक्टर होती तो क्या होता। आशा पारेख का यही सपना था कि वो डॉक्टर बने। बचपन में ही उन्होंने सोच लिया था या तो वो अम्बेसडर बनेंगी या फिर डॉक्टर, लेकिन इनकी जिंदगी में हुए एक हादसे ने इनका ये सपना तोड़ दिया। चुलबुली आशा पारेख स्कूल जा रही थी, इन्होंने अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट होते हुए देखा जिसमें इंसानी खून बहते हुए उन्हें दिख रहा था। आशा पारेख घबरा गईं। वो सोचने लगीं कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो ये खून से सामना, चीर फाड़ तो करना ही होगा, और ये मैं कैसे कर पाऊंगी। वो सोचने लगीं कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो ये खून से सामना, चीर फाड़ तो करना ही होगा, और ये मैं कैसे कर पाऊंगी। और तब आशा पारेख डॉक्टर बनना छोड़कर बन गई एक्ट्रेस। हमारी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे ही होते हैं जो हमारी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल देते हैं, या यूं कहें कि हमें जिंदगी में क्या करना है ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही आशा पारेख के साथ हुआ। अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।